हेलो बच्चों, वेलकम टू ओके ऑनलाइन एकेडमी। मैं नीरज अफजी फैकल्टी, और आज बच्चे हम लोग पढ़ेंगे क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। बच्चे क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली क्लास में हमने क्या किया था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था, लेकिन आज प्रॉपर ढंग से स्टार्ट करना है बच्चे। उससे पहले आप लोग बताइए, आप लोग का होली कैसा गया, क्या आप लोग होली अच्छे से मनाए? गुड इवनिंग शिवानी, एकदम। राहुल कुमार क्लास चलेगा बच्चे। प्रदीप कुमार गुड इवनिंग बच्चे, अभी से यादव गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हैप्पी होली, हैप्पी होली बच्चे, सारे बच्चों को मेरी तरफ से हैप्पी होली। भाई होली में एक मजा है, रंग तो लगाओ और खाओ जम के सो जाओ, जब भी मौका मिले खाओ जम के सो जाओ, समझ गए बच्चे? और हम लोग के लिए और चाहिए क्या? वैसे होली बहुत अच्छा रहा बच्चे, मेरा भी। आप लोग का कैसा रहा होली बच्चे? धीरे धीरे बच्चे जुड़ रहे हैं। बच्चे एक बार थोड़ा सा आप क्या करेंगे बच्चे, शेयर कर देंगे हर जगह। सर आप बोले थे गर्दा उड़ने के लिए, गर्दा उड़ा दिए होली का, वाह वेरी गुड बच्चे। अभिषेक यादव एकदम गर्दा उड़ा देना है होली में, और बच्चे पढ़ाई में तो गर्दा उड़ाना है ना, कि पढ़ाई में गर्दा ना उड़ाओगे। चलो बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। चलो बच्चे हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हमने बोला था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हमने बात करा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन। हमने रिफ्लेक्शन लाइट पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था मिरर फॉर्मूला पढ़ा था। उससे पहले हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन वगैरह किया था, साइन कन्वेंशन हमने किया था। लेकिन अब जो पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसे बच्चे ध्यान से देखना है। इंट्रोडक्शन हमने किया था, लेकिन फिर भी हमें एक साथ करना है, पढ़ना है इसको, ठीक है बच्चों? चलिए तो बच्चों जो टॉपिक का नाम है वो है बच्चे क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का अपवर्तन, समझे? एक बार समझिए, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है क्या बच्चे, बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट बेंड कब होना। अब तक जो हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़े थे, कि लाइट जो है ट्रेवल करता है हमेशा स्ट्रेट लाइन में, तो लाइन ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, वो भी कब तक, वो भी जब तक बच्चे मीडियम चेंज ना हो तब तक। अगर मीडियम चेंज हो जाता है तो बच्चे लाइट थोड़ा सा क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। तो इसी बेंडिंग की पोजीशन को बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं बच्चे हम लोग यहाँ पे, रिफ्रैक्शन। तो बच्चे बात करें हम लोग यहाँ पे, तो प्रकाश का अपवर्तन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है बच्चे, तो बच्चे अच्छे से पढ़ा जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, व्हेन ए लाइट रे पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट डेविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। दिस फेनोमेना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट द बाउंड्री ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मीडिया, यह फेनोमेना क्या कहलाएगा बच्चे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाएगा। मतलब जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मूल पथ से भटक जाता है, यानी डेविएट कर जाता है बच्चे, ठीक है? दो माध्यम के पृथककरण की सीमा पर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की मार्ग में परिवर्तन घटना को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा हम लोग, अपवर्तन हम लोग बोलते हैं, समझ गए? जैसा कि हमने बोला कि लाइट रे, अगर एक एग्जांपल की तरह समझते हैं बच्चे, कि लाइट रे अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट रे क्या कहेगा, अपने पाथ से बेंड कर जाएगा, डेविएट कर जाएगा। इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। यानी जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो लाइट अपने क्या होगा, पथ से मुड़ जाता है, बेंड हो जाता है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए बच्चे देखिए, अब बात हमने यहाँ क्या बच्चे, क्या चीज करा हमने, मीडियम का, क्योंकि रिफ्रैक्शन के लिए मीडियम का होना जरूरी है। तो हमने बोला था मीडियम के कितने टाइप होते हैं बच्चे, जल्दी बोलिए, टू टाइप ऑफ मीडियम होते हैं। पहला क्या होता है बच्चे, रेयर मीडियम, रेयर मीडियम, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है डेंसर मीडियम। दूसरा बच्चे क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम। तो बच्चे हम जो पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए, दो मीडियम का होना जरूरी है। पहला क्या बोलेंगे बच्चे हम लोग, रेयर मीडियम। दूसरा क्या बोलेंगे बच्चे हम लोग, डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम की बात करें बच्चे, तो हमने आपको बोला था एयर, एयर और दूसरा क्या होता है बच्चे, वैक्यूम होता है। दूसरे डेंसर मीडियम की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बच्चे वाटर, ग्लास, डायमंड की बात करेंगे बच्चे हम लोग, प्रिज्म की बात करेंगे, ये सब क्या है बच्चे, डेंसर मीडियम है। तो सोचो कि जब लाइट, ये सब सही बोल रहा है,
बच्चे थोड़ा पढ़ाई की बात कर लेते हैं, राहुल कुमार थोड़ा पढ़ाई की बात कर लेते हैं बच्चे। चलो तो बच्चे रेयर मीडियम क्या होगा, एयर और वैक्यूम को क्या बोलेंगे हम लोग, रेयर मीडियम, समझ गए बच्चे। और डेंस मीडियम को क्या बोलेंगे, वाटर, ग्लास, डायमंड, प्रिज्म, ये सब क्या हो जाएगा बच्चे, ये सब हो जाएगा आपका डेंसर मीडियम, समझ गए। अब इसमें देखना यह है कि जब लाइट रे ट्रेवल करेगा रेयर से डेंसर तो ये किधर बेंड करेगा। तो चलो बच्चे देखे, मान लीजिए कि यहां पे हम मान लेते हैं बच्चे ये वाटर है, क्या है बच्चे ये वाटर हो गया। देखो ध्यान से देखना है, मजा आएगा आपको समझने में। एक लाइट रे ऐसे आया, तो जैसा कि हमने बोला था बच्चे इसे कौन सा लाइट बोलते हैं हम लोग इसे बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट, ठीक है। अभी जो लाइट है बच्चे वो किधर से किधर जाएगा बच्चे, तो वो जाएगा रेयर से रेयर टू डेंसर, वो किधर जाएगा, रेयर टू डेंसर मीडियम, रेयर टू बच्चे क्या, डेंसर मीडियम। तो बच्चे ध्यान से देखिए इसका ग्राफ हम लोग समझेंगे। तो जब लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा, हम बात कर रहे हैं बच्चे रेयर से डेंसर मीडियम में, कहां गया बच्चे देखिए, तो बच्चे इसे हम लोग क्या बोलते हैं रेयर मीडियम, इसे हम क्या बोलेंगे बच्चे डेंसर मीडियम, मतलब विरल से किधर जाएगा बच्चे, सघन माध्यम से। तो बच्चा ये क्या है, विरल माध्यम है, विरल माध्यम है बच्चे, और ये क्या है बच्चे, ये सघन माध्यम है। याद रखिए जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है। सर मैं न्यू स्टूडेंट हूं अनुष्का, वेलकम टू ऑक ऑनलाइन अनुष्का, समझ गए बच्चे, कोई नहीं आप लेक्चर देखिए आपको मजा आएगा समझने में, अच्छा लगेगा आपको। जब इंसिडेंट लाइट रेयर से डेंसर जाता है यानी विरल माध्यम से कहां जाएगा बच्चे, सघन माध्यम में जाएगा। तो बच्चे इसमें अब क्या करोगे, तो लाइट बेंड करेगा, किधर करेगा वो देखना है। तो इसके लिए बच्चे हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल लाइन हम खींच देते हैं बच्चे, ये हमने नॉर्मल लाइन हमने यहाँ पे खींच दिया, ठीक है। इसे बोलेंगे नॉर्मल, इसे बोलेंगे आपतित किरण, इसे क्या बोलेंगे बच्चे हम लोग, आपतित किरण, याद रखिए, यानी इंसिडेंट रे। तो जैसी लाइट रेयर से डेंसर आता है, विरल से सघन माध्यम में आता है, तो बच्चे ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है बच्चे, यानी ये लाइन नॉर्मल है इसकी तरफ बेंड कर गया, तो बच्चे इसे हम लोग बोलते हैं अपवर्तित किरण, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण बोलेंगे बच्चे इसे हम, ठीक है। यानी इसे हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, इसे हम क्या बोलेंगे बच्चे, रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। तो याद रखिए जब लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में आता है तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है, याद रखिए बच्चे, जब लाइट रे रेयर से डेंसर में आएगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा, यानी जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो बच्चे लंबवत की तरफ मुड़ जाती है, ये किधर हो जाएगा बच्चे, लंबवत की तरफ मुड़ जाती है। तो याद रखिए जब लाइट रे रेयर से डेंसर आएगा नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, यानी जब लाइट विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा बच्चे, तो वह लंबवत की तरफ बच्चे, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, लंबवत, लंबवत की तरफ क्या होता है बच्चे, ये मुड़ जाता है, समझ गए। तो बच्चे पहला केस ये हो गया, ठीक है। अब इसी फेनोमेना को, ये जो मुड़ना हुआ ना, इसी फेनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमने क्या बोला था, लाइट रे ट्रेवल करा, मीडियम चेंज करा, बैंड कर गया, लाइट रे ट्रेवल करा, मीडियम चेंज करा और बैंड कर गया। अब एक बात समझ, दूसरा केस में क्या कहानी है कि सर आप ऐसा करो कि आप भी सघन माध्यम से क्या कर दो बच्चे, विरल माध्यम में आओ लाइट को, विरल माध्यम, यानी आप डेंसर से कहां लाओ बच्चे, लाइट को रेयर मीडियम में लाएं। तो जब लाइट रे आपका डेंसर से रेयर आता है, यानी बच्चे ऐसा, यानी लाइट रे भी ऐसा आएगा, ठीक है बच्चों, और किधर बेंड करेगा, इसके लिए फिर से हमें क्या बनाना पड़ेगा बच्चे, नॉर्मल यानी लंबवत, क्या बनाना पड़ेगा बच्चे, नॉर्मल यानी लंबवत। तो याद रखिए जब लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो वह लंबवत से दूर मुड़ जाती है, दूर भटक जाती है, दूर चली जाती है, समझ गए। यानी देखा जाए बच्चे कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे था वो नॉर्मल से क्या हो गया बच्चे, दूर बैंड कर गया, नॉर्मल से क्या हो गया बच्चे, दूर बैंड कर गया। तो बच्चे याद रखिए इसमें जो लाइट था, इसमें जो प्रकाश की किरण था लाइट रे, वो किधर से किधर गया बच्चे, ये गया डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर टू रेयर मीडियम, मतलब बच्चे किधर, सघन माध्यम से,
सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गया बच्चे, किसके तरफ गया? विरल माध्यम की तरफ। तो ये क्या हो गया? लंबवत से दूर मिल गया, लंबवत से दूर चला गया। यहां तक बच्चे कोई डाउट? बच्चे एमसीक्यू बच्चे नेक्स्ट डे होगा। प्रदीप कुमार ठाकुर, एमसीक्यू कोशिश करते हैं कल करने का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो बच्चे याद रखिए, जब लाइट रे रेयर से डेंसर आएगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, यानी जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो लंबवत की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है। अब जब लाइट रे डेंसर से रेयर में आएगा, ये ग्लास है बच्चे, कौन सा मीडियम बच्चे? ये मान लो ग्लास है, या बच्चे इसमें क्या मान सकते हो, आप लोग की मर्जी हो, इसमें वाटर मान सकते हो। इसे क्या मानोगे बच्चे आप लोग? वाटर। तो जब लाइट रे वाटर से डेंसर में आता है या वाटर से एयर में आता है, समझ गए बच्चे, तो नॉर्मल से दूर बेंड होगा, नॉर्मल से दूर भटक जाएगा लाइट रे, ठीक। अब बच्चे देखिए, इसमें एक चीज देखना है यहाँ पे, कि इसे हम बोलते हैं एंगल आई, और इसे बोलेंगे क्या बोलते हैं? एंगल आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसे हम क्या बोलेंगे बच्चे, जल्दी बोलो तो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, समझे? आपतित कोण, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? आपतित कोण। इसे क्या बोलेंगे? अपवर्तित कोण, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझिए बच्चे, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बच्चे ये भी यही कहानी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसे क्या बोलेंगे लोग? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चलो अब बच्चे एक चीज समझिए, कि अब अगर यदि मैं थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, मैं बोल दूं कि ये मान लीजिए वाटर है, ये क्या है बच्चे? वाटर है। और वाटर कौन सा मीडियम होता है बच्चे, जल्द से जल्द लिख के बताइए। वाटर होता है बच्चे डेंसर मीडियम, यानी कौन सा मीडियम? सघन माध्यम। कौन सा मीडियम बच्चे? सघन माध्यम, समझ गए। अब देखिए, अब लाइट को मैं ऐसे फॉल करा रहा हूं, ये कैसा है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये कैसा बच्चे? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस है बच्चे। अब देखिए, अगर लाइट परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा तो बच्चे वो बेंड नहीं करेगा, बच्चे वो बेंड नहीं करेगा, और वो लाइट सीधे चला आएगा। क्यों? क्योंकि इसका अगर मैं नॉर्मल बनाऊं, तो बच्चा जो नॉर्मल लाइन होगा सो इसी पे लाई करेगा, और नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट यानी नॉर्मल लाइन, इसे हमने क्या बोला बच्चे? नॉर्मल यानी लंबवत। इसे हमने क्या बोला बच्चे? लंबवत। और ये क्या हो गया बच्चे? इंसिडेंट रे। ये हो गया इंसिडेंट रे, यानी बच्चे क्या? आपतित किरण। तो याद रखिए, आपतित किरण और लंबवत के बीच में अगर कोण 0 डिग्री है तो बच्चा वो बेंड नहीं करेगा, वो सीधे सीधे चला जाएगा, पार कर जाएगा, उसमें कोई भटकाव नहीं आएगा, वो मुड़ेगा नहीं, स्ट्रेट लाइन पास कर जाएगा। तो बच्चे याद रखिए, अगर एंगल 0 डिग्री है, समझे, या परपेंडिकुलर टू द सरफेस है बच्चे, तो वो बेंड नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अब जैसा कि हमने बोला था अभी, कि यहाँ पे एंगल कुछ ना कुछ बना रहा है, ये एंगल बनाया, यहाँ पे देखिए ये एंगल बनाया, अगर इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण लंबवत के साथ कुछ ना कुछ अगर एंगल बना रहा है, तो बच्चे इसका मतलब ये हो गया कि वो बैंड करेगा, समझ गए? वो क्या करेगा बच्चे? वो बैंड करने वाला है। चलिए, अब ऐसा भी हो सकता है बच्चे कि अगर मैं बात करूं कि सर जो लाइट रे है वो आपका रेयर से जाए, फिर डेंसर से जाए, और फिर रेयर चले जाए, कैसा कोई डायग्राम बन सकता है? एकदम बन सकता है, जिसे हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। हम क्या बोलते हैं बच्चे? रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब बोल सकते हैं इसको। इसको हम क्या बोल सकते हैं? रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। यानी किसी ग्लास से, यानी पहले क्या होगा, जो प्रकाश की किरणें विरल माध्यम की ओर जाएगी, विरल से फिर सघन माध्यम की ओर, और सघन से फिर विरल माध्यम की ओर, तब उसका कैसा डायग्राम बनेगा वो बच्चे हमें देखना है। तो चले बच्चे हम देखते हैं। यहाँ पे देखो बच्चे, ये मान लेते हैं हमारे पास ये एक ग्लास है, ये ग्लास हमने मान लिया, ठीक। और यहाँ पे हमने एक लाइट रे ऐसे हमने फॉल कराया, दिस इज इंसिडेंट रे। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इंसिडेंट रे। इसे हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे बोलेंगे, ठीक। अब हमें यहाँ पे क्या बनाना है? हमें यहाँ पे बनाना है नॉर्मल। हमने ये लाइन मान लिया, नॉर्मल लाइन है, ठीक है बच्चे, नॉर्मल लाइन है।
अब मुझे ये बताइए कि ये तो हो गया रेयर मीडियम यानी विरल माध्यम, और बच्चे लाइट किधर आ रहा है, डेंसर मीडियम में यानी सघन माध्यम से। तो मुझे ये बताइए कि जब लाइट रे प्रकाश की किरणें जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो किधर बेंड करेगा, जल्दी से लोग कमेंट करके बोलो आंसर। अगर लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो किधर बेंड करेगा बच्चे, तो बच्चे ये बेंड करेगा नॉर्मल की ओर। ये किधर बेंड किया बच्चे, नॉर्मल की ओर, ठीक है, इतना हमें समझ में आ रहा है। तो बच्चे इसे मान लेंगे एंगल आई, और बच्चे ये क्या हो जाएगा, एंगल आर हो गया। ये क्या हो गया बच्चे, एंगल आर हो गया, ठीक। अब देखिए, अब लाइट डेंसर से किधर आएगा बच्चे, रेयर मीडियम आएगा, यानी फिर ग्लास से कहां आएगा बच्चे, रेयर मीडियम की तरफ आएगा। तो बच्चे यही लाइट ना ऐसे आएगा, ठीक है। अब ये भी किधर बेंड करेगा, इसके लिए तो हमें नॉर्मल तो बनाना पड़ेगा, तो बच्चे ये हो गया नॉर्मल, समझ गए। और बच्चा जितना ये एंगल है बच्चे उतना ये भी एंगल होगा आर, ठीक है। अब देखिए, जब लाइट डेंसर से रेयर होगा, जब लाइट डेंसर से रेयर होगा तो बच्चे किधर बेंड करेगा, ये बच्चे बेंड करेगा नॉर्मल से दूर। किधर बेंड करेगा बच्चे, ये नॉर्मल से दूर बेंड करेगा। अब सोचिए कि ग्लास नहीं रहता तो बच्चे लाइट रे तो ऐसे बेंड करता, लाइट रे कैसे बेंड करता बच्चे, लाइट रे ऐसे बेंड करता। इसको थोड़ा सा और सही से कर ले बच्चे, इसको डायग्राम को थोड़ा सा और, चलिए देखते हैं इसको, नॉर्मल से थोड़ा सा, ये नॉर्मल हो गया बच्चे, नॉर्मल से थोड़ा सा बेंड, हाँ ठीक है। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंट, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंट। अब ध्यान से सुनिए कि जब लाइट रेयर से आ रहा था डेंसर तो नॉर्मल की तरफ बेंड किया, ठीक। अब वही लाइट डेंसर से ग्लास से कहां आ रहा है बच्चे, एयर में आ रहा है, तो बच्चे क्या होगा, नॉर्मल दिखाएंगे और नॉर्मल से क्या होगा, दूर बेंड होगा, समझ गए। तो इसे बोलते हैं बच्चा एंगल ऑफ इमर्जेंट, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट, ठीक। अब बच्चे ध्यान से देखिए, एंगल ऑफ इमर्जेंट हो गया तो बच्चा ये कहलाता है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, यानी जब लाइट रे प्रकाश की किरणें रेयर से जाएगा डेंसर, डेंसर से जाएगा रेयर, रेयर से जाएगा डेंसर, डेंसर से जाएगा रेयर। तो बच्चे देखो इसका ये डायग्राम बनेगा, इसी को बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंट। अब एक चीज समझे बच्चे, ग्लास अगर नहीं होता तो लाइट का एक्चुअल पाथ तो बच्चा ये होता, ठीक है। अब देखिए ये पाथ और ये पाथ क्या दोनों पैरेलल है, इसका मतलब जो लाइट रे, जो लाइट सीधे जाता लेकिन ग्लास स्लैब आने से लाइट रे, जो लाइट रे था वो शिफ्टिंग इधर हो गया, ये शिफ्ट किधर हो गया बच्चे, इधर हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग पैरेलली शिफ्ट करना, ग्लास रखने पे जैसे ही ग्लास रखा तो लाइट रे पैरेलली शिफ्ट हो गया, इधर का इधर शिफ्ट हो गया बच्चे, पढ़ेंगे आगे जाके हम लोग, ऐसा कहानी पढ़ने वाले हैं। चलिए तो बच्चे यहां हमने देखा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, कि अगर लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है या एक मीडियम से दूसरे माध्यम में, मीडियम में जाती है बच्चे, तो लाइट डेविएट करता है। अब कौन सी मीडियम से किधर मीडियम में जाएगा ये हमने आपको पढ़ाया है। तो छोटा सा बच्चे एमसीक्यू बनता है, अब मुझे जल्द से जल्द बताएंगे क्या आंसर होगा। चलिए बच्चा पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यह है बच्चे कि लाइट रे, अगर लाइट रे यानी प्रकाश की किरणें अगर रेयर से डेंसर जाता है, रेयर से डेंसर जाता है बच्चे, तो किधर बेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर टू, अगर लाइट रे, अगर लाइट रे बच्चे डेंसर से रेयर जाएगा बच्चे तो किधर बेंड करेगा, जल्द से जल्द बताइए। और बच्चे तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बच्चे यहां पे देखा जाए कि लाइट रे, अगर लाइट रे परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, कैसा है बच्चे, परपेंडिकुलर टू द मीडियम, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ मीडियम, समझे बच्चे, तो किधर बेंड करेगा, जल्द से जल्द बताइए बच्चे इसमें। और बच्चे हम बात करें यहां पे, तो बच्चे जैसा हमने बोला, ये आंसर बताइए, ये आंसर बताइए, ये आंसर बताइए। तीसरा, चौथा प्रॉपर्टी, चौथा प्रॉपर्टी हमने बोला था बच्चे कि हम बात करेंगे जो लाइट रे है, जो लाइट रे है बच्चे वो हमेशा कैसा ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन या कर्व लाइन, जल्दी बताइए बच्चे, लाइट हमेशा कैसा ट्रेवल करेगा, स्ट्रेट लाइन या कर्व लाइन, जल्द से जल्द। सारे बच्चों देख रहे हैं, सबका सब आंसर बताइए कि जो लाइट रे अगर रेयर से जा रहा है डेंसर तो किधर बेंड करेगा, जब लाइट रे डेंसर से जा रहा है रेयर तो किधर बेंड करेगा बच्चे, अगर लाइट रे परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ मीडियम है यानी लाइट रे लंबवत है टू द माध्यम के तो किधर बेंड करेगा, फिर लाइट रे हमेशा कैसा ट्रेवल करेगा, कर्व या स्ट्रेट, कर्व या स्ट्रेट, बच्चे सबका आंसर आना चाहिए, जितने बच्चे भी लेक्चर देख रहे हैं सबका सब बच्चे।
चलिए देखिए, जैसा कि बच्चे हम लोगों ने बोला था आपको कि यहाँ पे हमने पढ़ाया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल। जैसा कि मैं बताया आपको कि अगर लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाता है तो किधर बेंड कर जाएगा, ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा। यानी जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। बच्चे देखिए, ये आपतित किरण है, बच्चे क्या है, ये आपतित किरण हो गया, ये रे हो गया, ये लंबवत हो गया, ये अपवर्तित किरण हो गया, ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम। तो यहाँ देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस अरे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब एक चीज समझिए बच्चे, प्रदीप कुमार ठाकुर हम हिंदी भी समझा रहे हैं, अब थोड़ा ध्यान से देखिए। अर्चना कुमार राय, ओके बच्चे देखिए लेक्चर लगा दीजिए। चलिए ओके बच्चे, हम बात कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे, तो जब लाइट रे विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो लंबवत की ओर क्या हो गया बच्चे, ये झुक गया, इसे बोलते हैं लंबवत की ओर झुकना, समझ गए। तो याद रखिए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह लंबवत की ओर झुक जाती है, तो लंबवत की ओर बच्चे झुक जाती है, वही इसका इंग्लिश है। व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। बच्चा जैसा कि हमने बताया, ये नॉर्मल होता है बच्चे, ये लाइन कैसा हो जाएगा बच्चे, ये लाइन नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये एंगल आई है, ये एंगल रिफ्रैक्शन है बच्चे, ये हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे, ये क्या हो गया रिफ्रैक्टेड रे, ये हो जाता है बच्चे नॉर्मल। तो देखिए नॉर्मल की तरफ क्या हो गया बच्चे, बैंड कर गया, अभी मैं आपको यही पढ़ा रहा हूं। चलिए अब क्या कह रहा है बच्चे, जब रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू द रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, या नॉर्मल से क्या हो जाएगा बच्चे, नॉर्मल से दूर बेंड करेगा। लेकिन जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है, जैसा कि जस्ट हमने बताया था। यह मान लीजिए सघन माध्यम है, ये कैसा माध्यम बच्चे, ये मान लीजिए विरल माध्यम है, ऐसा हमने मान लिया, ये विरल माध्यम है और बच्चा ये क्या है सघन माध्यम है, और लाइट रे ऐसे जाती है, ये बच्चा हो गया लंब, ये क्या हो गया बच्चे लंबवत हो गया बच्चे। तो क्या हो जाएगा जब सघन से विरल तो क्या हो जाएगा बच्चे, दूर बैंड कर जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चे, दूर बैंड कर गया, तो नॉर्मल से क्या हो गया लंबवत से दूर बैंड कर गया बच्चे। चलिए ओके बच्चों, आप देखियो कि 2024 में जो टॉपर आया बच्चा वो कौन है, प्रिया कुमारी फर्स्ट रैंक लाई है बच्चे, रजनीश फर्स्ट रैंक लाई है 2023 में, और बच्चे 2022 में अंकित, 2022 में बच्चे क्या अंकित, ये वो बच्चे हैं जो इस प्लेटफॉर्म से पढ़ के एक बेहतर नंबर लाए हैं बच्चे। और बच्चे जैसा कि मैं बात करूं होली स्पेशल ऑफर, आपको मैं पिछले भी बताया था होली स्पेशल ऑफर आया मात्र 899 रुपए में, जिसमें आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों है बच्चे, ऐप पे लाइव होगा, आपको मजा आएगा पढ़ने में बच्चे यहाँ पे। उसी के साथ साथ बच्चे क्या है प्लेटिनम स्पीकिंग कोर्स, इसमें भी ऑफर है बच्चे, 999 के बदले 899 है, समझ गए, 499 है बच्चे। दो तरह का इंग्लिश है, प्लेटिनम और डायमंड बच्चे, जल्द से जल्द ऑफर सीमित समय के लिए है, तो बच्चे जल्द से जल्द क्या करेंगे आप इस नंबर पे कॉल करेंगे और एडमिशन के लिए बात करेंगे, आपको हर तरह से एडमिशन के लिए जो भी होता है प्रोसीजर बता दिया जाएगा। चलिए अब बच्चे हम बात कर रहे थे क्या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम बच्चे, अपवर्तन के नियम क्या होता है वो समझना है, अपवर्तन के बच्चे दो नियम होता है, तो पहला हम लोग समझेंगे अपवर्तन के, दे आर टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, पहला लॉ और दूसरा लॉ। तो बच्चे हम लोग समझते हैं कि पहला लॉ क्या है वो समझते हैं बच्चे यहाँ पे, देखिए तो बच्चे हमने यहाँ लिख दिया, मैं अभी इंग्लिश में हिंदी दोनों साथ में पढ़ाऊंगा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बच्चे अपवर्तन के नियम क्या होता है बच्चे ध्यान से देखिए बच्चे, ये मान लीजिए कौन सा मीडियम है बच्चे, जल्द से जल्द बताइए, ये कौन सा मीडियम है आप लोग बताएंगे जल्द से जल्द लिख के, एक भी बच्चे लिख के जवाब नहीं दे रहे हैं, सारे बच्चे लिख के बताएंगे कौन सा मीडियम है। तो बच्चे ये हो गया रेयर मीडियम, नीचे हो गया बच्चे क्या डेंसर मीडियम हो गया, ठीक है,
एक डायग्राम लेंगे उसी को एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए बच्चे, जो लाइट रे आती है उसे हम बोलते हैं बच्चा आपतित किरण, इसे हम क्या बोलेंगे बच्चा आपतित किरण, आपतित किरण, समझ गए बच्चे। यानी इसे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, इसे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, ठीक है। अब हमें जैसा कि जानना है कि एक लंबवत खींचना है बच्चे, तो एक लंबवत हमने खींच लिया, इसे हम क्या बोलेंगे बच्चे लंबवत, लंबवत, समझ गए, या इसे हम क्या बोलेंगे बच्चे नॉर्मल बोलेंगे, ठीक। अब जैसे अब मुझे बताइए जल्द से जल्द कि अगर लाइट रे रेयर से डेंसर आता है, यानी हम मान लेंगे क्या बच्चे एयर से, कहां मान लिया बच्चे हम लोगों ने वाटर, अगर लाइट रे एयर से वाटर आएगा तो किधर बैंड करेगा, सब लोग बताइए बच्चे किधर बैंड करेगा, जल्द से जल्द बताइए, कितने लोग बता सकते हो कि अगर लाइट रे रेयर से डेंसर आता है तो किधर बैंड करेगा, लिख के बताइए बच्चे सब लोग लिख के बताइए। यानी अगर लाइट रे विरल माध्यम से, किसे बच्चे विरल माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आता है, सघन माध्यम की ओर आएगा तो बच्चे किधर मुड़ेगा ये, चलिए तो बच्चे देखिए ये नॉर्मल की ना दूर मुड़ जाए, नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगा, ठीक है। अब बच्चे इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे बोलेंगे बच्चे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो बच्चे फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है ध्यान से देखना है बच्चे, फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है, इसी जगह पे अगर मैं एक और लाइन खींच दूं और बच्चे मान लेता हूं कि ये सारी चीजें हैं, ठीक है बच्चे। देखो मैं क्या बोला, अगर लाइट रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये कितना बनाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चलिए बच्चों देखिए अब क्या कह रहा है, फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो हमने एंगल लिया था आई और आर, तो बच्चे अगर आई बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, ठीक है, आई बढ़ेगा तो बच्चे आर भी बढ़ेगा। इसका मतलब जो आर किस पे डिपेंड है बच्चे, आई पे डिपेंड है, या आई किस पे डिपेंड है बच्चे आर पे डिपेंड है, लेकिन अगर मैं दोनों का साइन फॉर्म ले लूं, यानी बोला गया यहां पे द रेशियो ऑफ, हिंदी में भी समझाऊंगा बच्चे, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ बच्चे क्या रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये क्या कहलाएगा बच्चे कॉन्स्टेंट कहलाएगा। मतलब कह रहा है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब क्या होगा बच्चे साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, समझ गए बच्चे, ये बराबर होगा किसके कांस्टेंट के। तो बच्चे ये हमने क्या बोल दिया, ये बोला हमने रिफ्रैक्शन फर्स्ट लॉ, ये हमने क्या बोल दिया बच्चे साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू द कांस्टेंट। यानी अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का अगर साइन आई बाई साइन आर रेशियो लेते हो तो ये किसके बराबर होगा बच्चे कॉन्स्टेंट के बराबर होगा, पहला लॉ बच्चा, फर्स्ट लॉ यही बोला जा रहा है। दूसरा लॉ क्या बोला जा रहा है बच्चे, दूसरा लॉ समझिए क्या कह रहा है, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रेक्टेड रे, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रेक्टेड रे लाई एट द सेम प्लेन एट, लाई एट द सेम पॉइंट एट सेम प्लेन, लाई एट द सेम पॉइंट एट सेम प्लेन। तो बच्चे मैं वो भी लिख दे रहा हूं ध्यान से देखिएगा, मैं क्या बोल दिया बच्चे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल एंड एंड बच्चे रिफ्रैक्टेड रे, क्या हमने लिखा बच्चे रिफ्रैक्टेड रे लाई एट सेम पॉइंट, लाई एट सेम पॉइंट एट सेम प्लेन, लाइट सेम पॉइंट एट बच्चे क्या सेम प्लेन, ये कहलाएगा बच्चे क्या, ये कहलाएगा दूसरा लॉ। तो पहला लॉ क्या था कि अब साइन आई बाई साइन आर करोगे इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, मतलब द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड
कांस्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, कांस्टेंट हो जाएगा या कांस्टेंट के बराबर होगा। तो बच्चा ये फर्स्ट लॉ था, ये बच्चा क्या था, सेकेंड लॉ था। चलिए बच्चे देखते हैं इसका हिंदी वर्जन क्या है। देखिए कह रहा है दो विशेष माध्यम के लिए आपतन कोण की त्रिज्या जया और अपवर्तन कोण की जया का स्थिरांक में अनुपात हमेशा स्थिरांक के बराबर होगा। बच्चे ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है, कह रहा है दो विशेष माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण का जया का स्थिरांक में हमेशा स्थिरांक जो होगा उसके अनुपात के बराबर होगा। यानी बच्चे मान लीजिए ये आपतित किरण है, जैसा कि हमने बोला बच्चे, हमने क्या बोला यहाँ पे, या हमने बोला बच्चे ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, इसे क्या बोलते हैं बच्चे हम लोग, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। तो कह रहा है कि अगर जो हमारे पास आपतन कोण है और अपवर्तन कोण है, तो आपतन कोण अपवर्तन कोण का अगर साइन का अनुपात लेंगे तो बच्चे वो किसके बराबर होगा, वो हमेशा स्थिरांक के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बच्चे, हमेशा स्थिरांक के बराबर होगा, यही बताया गया है यहाँ पे, यही बताया गया यहाँ पे, समझ गए बच्चे। इसे रिफ्रैक्शन फर्स्ट लॉ बोलेंगे। अब बच्चे ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है, दूसरा लॉ आपतित किरण अभिलंब तथा आपतन बिंदु पर अपवर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। जैसा कि हमने बोला कि बच्चे आपतित किरण जो जो ये जो रे आ रही है, अभिलंब जो बच्चे अभिलंब है ये, और बच्चे क्या कह रहे हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु ये है, अपवर्तित किरण बच्चे ये हो गया, सभी एक ही तल में है, यानी एक ही बिंदु के एक ही तल के एक ही बिंदु में है बच्चे, समझ गए। तो इसे हम बोलते हैं क्या, अपवर्तन का दूसरा नियम, इसे हम बोलेंगे अपवर्तन का दूसरा नियम। मतलब इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई एट द सेम प्लेन, ऑल लाई एट द बच्चे क्या हो जाएगा, सेम प्लेन हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चे ध्यान से देखिए ये हमने क्या बोला यहाँ पे, हमने क्या बोला यहाँ पे, यहाँ पे हमने बोला साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू, यानी कॉन्स्टेंट। अब बच्चे इसी कॉन्स्टेंट, इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, इस फर्स्ट लॉ को हम लोग बोलते हैं बच्चे क्या रे, स्नेल्स लॉ। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, स्नेल्स लॉ बोलेंगे। यानी कोई आपसे पूछेगा साइन आई बाई साइन आर क्या होगा बच्चे, स्नेल्स लॉ होगा बच्चे, यानी स्नेल का नियम, यानी क्या होगा बच्चे, स्नेल का नियम। यानी क्या कह रहा है, तो विशेष माध्यम के लिए आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का स्थिरांक में अनुपात इतना होता है, समझ गए, जिसे हम बोलते हैं स्नेल का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, दो या तीन मार्क्स में बच्चा पूछा जाता है यहाँ पे, समझ गए। चलिए तो बच्चे ये था स्नेल का नियम। चलिए अब बच्चा हम बात कर रहे हैं बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक जिसे म्यू या एन से डिपेंड करते हैं। लेकिन बच्चे उससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा जो मुझे आप जवाब दोगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब मैं कुछ डायग्राम बनाऊंगा और आपको बताना ये है, आपको बताना ये है कि ये लाइट रे किधर बेंड कर रहा है। चलिए बच्चे देखते हैं लाइट रे। तो बच्चे मान लीजिए ये आपका डेयर डेंसर मीडियम, ये आपका रेयर मीडियम, मतलब बच्चे ये क्या हो जाएगा, ये विरल माध्यम, और बच्चा ये क्या हो रहा है ये हो गया सघन माध्यम, सघन माध्यम, ये विरल माध्यम और बच्चे ये सघन माध्यम, रेयर और डेंसर। जब लाइट रे अगर ऐसे आ रहा है बच्चा ये नॉर्मल है, ये बच्चा क्या है नॉर्मल है, फिगर वन की बात कर रहे थे। दूसरा बच्चा अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि लाइट रे अगर ऐसे आ रहा हो, ठीक है बच्चे, और बच्चे ये कहलाएगा नॉर्मल, यानी नॉर्मल यानी लंबवत, ये डेंसर है बच्चे, ये रेयर मीडियम है, यानी कि ये क्या हो गया बच्चे, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, ये क्या कहलाएगा सघन माध्यम, सघन ये क्या है बच्चे विरल, ये क्या है बच्चे विरल। तो बच्चे ये नॉर्मल है, ये किधर बेंड करेगा, फिगर नंबर टू। और बच्चे तीसरा कि अगर लाइट रे है और बच्चे ये ऐसे आ रहा है, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, ठीक है बच्चे, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, इंसिडेंट रे आपतित किरण, इसको क्या बोलेंगे बच्चे हम लोग, आपतित किरण, इसे क्या बोलेंगे बच्चे हम लोग, आपतित किरण, समझ गए। तो फिगर नंबर थ्री। अब बच्चे आपको पहचानना है कि ये लाइट रे किधर किधर बेंड करेगा। फर्स्ट फिगर में लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद किधर बेंड करेगा,
दूसरा में रिफ्लेक्शन के बाद किधर बैंड कर रहा है, तीसरे में रिफ्लेक्शन किधर बैंड करेगा। बच्चे जल्द से जल्द सब लोग लिख के भेजो डायग्राम आंसर। हाँ बच्चे नीतीश कुमार एकदम सही बोले, ये टेंथ क्लास का भी है लेकिन बेसिक है, ये इंट्रोडक्शन है, तो बच्चे इंट्रोडक्शन तो हमेशा बेसिक ही होता है। बच्चे जल्द से जल्द आंसर लिख के भेजिए सारे बच्चों, सारे बच्चों आंसर लिख के भेजिए जल्द से जल्द। क्या होगा फिगर वन में, क्या आंसर होगा जब लाइट रे विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगा, किधर मुड़ेगा? जब लाइट रे सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आएगा बच्चे तो किधर मुड़ेगा, और जब लाइट रे लंबवत अगर पड़ रहा है मीडियम के सरफेस पे तो किधर बेंड करेगा? सारे बच्चे का जवाब आना चाहिए बच्चे, सब लोग। चलिए बच्चे अब हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। किसकी बात करेंगे बच्चे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कह रहा है बच्चे? कह रहा है द कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसा कि हमने बोला था कि कांस्टेंट रेशियो क्या होता है बच्चे, तो साइन आई बाई साइन आर, अगर हम बात करें यहाँ पे तो बच्चे साइन आई बाई साइन आर ये क्या था बच्चे, कॉन्स्टेंट था, और उस कॉन्स्टेंट और बच्चे उस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते थे, म्यू बोलते थे। लेकिन ये म्यू होता है क्या है, एक्चुअली में इस कांस्टेंट का नाम रखा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस कांस्टेंट का बच्चे क्या नाम रखा गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चे। तो सबसे पहले बच्चे हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे बच्चे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसीलिए ध्यान से देखना है। एक में सीधा जाएगा नहीं बच्चे, क्या पढ़ रहे हैं नीतीश जी, एक में सीधा नहीं जाएगा। फिगर नंबर वन देखिए जल्द से जल्द बताइए, लाइट रे एयर से डेंसर आएगा तो किधर बैंड करेगा बच्चे, जल्द बताइए। ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे हो गया यानी आपतित किरण हो गया, किसे किधर बैंड करेगा? बच्चे एक में सीधा नहीं होगा, ये नॉर्मल की तरफ बैंड कर जाएगा। किधर बैंड करेगा बच्चे, ये नॉर्मल की तरफ बैंड करेगा। दूसरे बात है क्या, जब लाइट रे डेंसर से रेयर आ रहा है, जब लाइट रे बच्चे डेंसर से रेयर आ रहा है, डेंसर से रेयर मीडियम ठीक है, तो किधर बैंड करेगा, ये नॉर्मल से दूर बैंड करेगा, ये नॉर्मल से दूर बैंड करेगा। और बच्चे फिगर नंबर थ्री, अगर लाइट रे लंबवत फॉल हो रहा है तो बच्चा ये सीधा चला जाएगा, समझ गए, ये किधर चला जाएगा बच्चा, ये सीधा चला जाएगा। तो याद रखिए जब लाइट रे विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आएगा तो लंबवत की ओर मुड़ जाएगा, ठीक है बच्चे। जब लाइट रे जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगा तो लंबवत से दूर मुड़ जाएगा। और बच्चे जब प्रकाश की किरणें यानी लाइट रे लंबवत गिर रहा है किसी मीडियम के सरफेस पे तो बच्चा वो बेंड नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे बच्चा कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, वो प्रकाश की किरणें सीधे चला जाएगा एकदम। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया गुलनाज खातून, पहला आंसर सही हो गया बच्चे गुलनाज खातून का। जैसे जल्द बताइए, ये लंबवत की ओर मुड़ेगा, लंबवत की ओर मुड़ेगा बच्चे, बहुत बढ़िया। और कोई बच्चे जवाब देना चाह रहे हैं बच्चे, जल्द से जल्द जवाब दीजिए बच्चे। दूसरे में अगर लाइट रे डेंसर से रेयर जाता है बच्चे, जल्द से जल्द बताइए, अगर लाइट रे डेंसर से रेयर जाएगा तो किधर बैंड करेगा, किधर बैंड करेगा? और जब लाइट रे बच्चे नॉर्मली फॉल हो रहा है किधर बैंड करेगा एकदम। और कोई बच्चे गुलनाज खातून सही जवाब, बच्चे नीतीश कुमार जवाब चेंज कीजिए, फिर से बोलिए सही जवाब क्या होगा। अर्चना कुमार रा, अर्चना एके रॉय, जल्द से जल्द बताइए, बेहतरीन क्वेश्चन है कि लाइट रे अगर एयर से डेंसर आता है या विरल से सघन माध्यम में जाता है तो किधर मुड़ेगा, ये लंबवत से दूर कि लंबवत की ओर? इसमें बच्चा लंबवत से दूर या लंबवत की ओर, इसमें किधर मुड़ेगा, लंबवत से दूर या लंबवत की ओर? बहुत सारे बच्चों का मैं वेट कर रहा हूं आंसर बच्चे। गुलनाज खातून बहुत बढ़िया बच्चे, क्या गुलजहां खातून। चलिए ओके बच्चे, तो बच्चे ये था क्वेश्चन। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूं तो मुझे आप लोग जल्द से जल्द बताओगे, आज मैं क्वेश्चन ही पूछ रहा हूं बच्चे, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा बच्चे, जल्द से जल्द बताइए स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा बच्चे इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट में एयर में क्या होगा या वैक्यूम में, जल्द से जल्द बताइए क्या होगा बच्चे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर।
समझ गए बच्चे एकदम। और बच्चे दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये कि लाइट, लाइट के पास दो नेचर होता है, लाइट के पास दो नेचर होता है यानी ड्यूअल नेचर, लाइट के पास बच्चे ड्यूअल नेचर होता है, बताइए कौन कौन सा नेचर होगा। लाइट के पास ड्यूअल नेचर होता है, लंबवत से दूर हट जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गुलजान खातूर। और सारे बच्चे जवाब नहीं दे पा रहे, और सारे बच्चे जवाब नहीं दे पा रहे बच्चे। चलिए बच्चे तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, जो लाइट है बच्चे, लाइट ऑलवेज, लाइट ऑलवेज बच्चे क्या होगा, ट्रेवल इन, ट्रेवल इन बच्चे कौन सा लाइन में ट्रेवल करेगा, जल्द से जल्द। कितने बच्चे जवाब दे रहे हैं, प्रदीप कुमार ठाकुर लंबवत के दूर, बहुत बढ़िया प्रदीप कुमार ठाकुर, बहुत बढ़िया बच्चे। बच्चे तीसरे फिगर में क्या होगा, जल्द से जल्द बताइए तीसरे फिगर में क्या होगा, इसमें लाइट किधर बेंड करेगा तीसरे फिगर में। चलो जल्द से जल्द बताइए। और फिर बच्चे देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन किए थे बच्चे, हम लोग कर रहे थे कि लाइट, स्पीड ऑफ लाइट एयर में कितना होता है, लाइट के दो नेचर होता है कौन कौन सा बच्चे, तो बच्चे याद रखिए क्या कौन सा नेचर होता है, वेव नेचर होता है बच्चे लाइट का, और दूसरा क्या होता है बच्चे पार्टिकल नेचर होता है। कौन सा नेचर होगा बच्चे, वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर। और बच्चे लाइट हमेशा ट्रेवल करेगा कौन सी लाइन में, जल्द से जल्द बताइए बच्चे, लाइट हमेशा कौन सी लाइन में ट्रेवल कर रहा है बच्चे, इसमें खाली जगह पे लाइट हमेशा ट्रेवल करेगा बच्चे क्या, स्ट्रेट लाइन में, लाइट हमेशा ट्रेवल करेगा स्ट्रेट लाइन में, बच्चा जल्द से जल्द बताइए। चलिए फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। अब ध्यान से, अब मैं डायग्राम सही से दे रहा हूं, ध्यान से देखना है कि मान लीजिए कि यहाँ पे ये ग्लास है, इसे हमने क्या बोल दिया, ग्लास। बताइए बच्चे ग्लास कौन सा मीडियम होता है, ग्लास कौन सा मीडियम होगा यानी ग्लास कौन सा माध्यम होगा, और बच्चे ये कौन सा माध्यम होगा, ये भी कौन सा माध्यम होगा, जल्द से जल्द लिख के भेजिए बच्चे, ग्लास कौन सा माध्यम होगा। अर्चना कुमार राय, ये चल रहा है ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में हम लोग रिफ्रैक्शन, प्रकाश का अपवर्तन शुरू किए हैं, प्रकाश का अपवर्तन शुरू किए हैं बच्चे, समझ गए, प्रकाश का अपवर्तन शुरू किए हैं। चलिए जल्दी बोलिए कौन सा मीडियम है, इसे कौन सा मीडियम बोलेंगे बच्चे, इसे कौन सा मीडियम बोलेंगे, कौन सा माध्यम है, विरल या सघन कौन सा है बच्चे। अब ध्यान से देखिए, बोल रहा हूं जल्दी जल्दी, हम ध्यान से देखना है बच्चे, ये लाइट रे ऐसे आ रहा है ठीक है, और बच्चे ये हमारे पास नॉर्मल है, ये हमारे पास नॉर्मल है, तो यहाँ पे बताइए फिगर वन में, फिगर वन में किधर बेंड करेगा ठीक। और बच्चे दूसरा, दूसरा अगर लाइट रे ऐसे आया, ये ओरिजिनल लाइट रे पाथ है समझ गए, और जब ग्लास से बच्चे एयर में आएगा तो बच्चे किधर बेंड करेगा, फिगर टू किधर बेंड करेगा, जल्द बोलिए बच्चे किधर बेंड करेगा, एकदम रिपीटेड क्या हुआ क्वेश्चन बच्चे। आरपी हैप्पी होली सर, सरल नहीं बच्चे सघन माध्यम होता है, जल्द से जल्द बताइए। तो बच्चे लंबवत से दूर होगा कि लंबवत की ओर होगा, तो बच्चे जो लाइट रे है ये हमेशा लंबवत की ओर बेंड करेगा, ये इसको बोलते हैं लंबवत, इसे क्या बोलते हैं बच्चे नॉर्मल यानी लंबवत, इसे क्या बोलेंगे बच्चे लंबवत बोलेंगे, इसे कौन सा किरण बोलेंगे, जल्दी बोलिए बच्चे इसे कौन सा किरण बोलेंगे, और बच्चे इसे कौन सा किरण बोलेंगे, इसे कौन सा किरण बोलेंगे बच्चे, जल्द से जल्द बताइए। हाँ बच्चे इसे बोलते हैं सघन माध्यम, इसे हम बोलते हैं बच्चे क्या, सघन माध्यम, बहुत बढ़िया बच्चे, इसे बोलते हैं हम लोग सघन माध्यम, इसे हम लोग बोलेंगे बच्चे क्या, विरल माध्यम, विरल माध्यम यानी रेयर मीडियम, क्या इसे बोलेंगे, रेयर मीडियम, इसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम ठीक है। चलिए अब देखिए, यही लाइट रे अगर डेंसर से रेयर आए, ये लाइट रे बच्चे डेंसर से रेयर आएगा तो बच्चे ये हो जाएगा नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, तो बच्चे ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा ना, ऐसे बेंड हो जाएगा नॉर्मल से, तो बच्चे ये क्या लगेगा, एंगल ऑफ इमर्जेंट, ये क्या लगेगा, एंगल ऑफ इमर्जेंट। और देखिए ये एंगल आई कहलाया, ये एंगल आर कहलाया, ये भी एंगल आर कहलाएगा, एंगल आई
एंगल आई बराबर होता है बच्चे एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल आई बराबर होता है बच्चे एंगल ऑफ इमर्जेंट, याद रखिए बच्चे। चलिए बच्चे फिर से पूछ रहा हूं, अब सबका आंसर, बहुत बढ़िया बच्चे बहुत बढ़िया। अब बच्चे ध्यान से, अब मैं रिटर्न में पूछ रहा हूं, डायग्राम नहीं दूंगा। अब याद रखिए बच्चे कि जब लाइट रे आपको बोलना है, पहचानना है कि कौन सा डेंसर है कौन सा रेयर मीडियम है बच्चे। जब लाइट रे अगर रेयर से गया डेंसर, यानी बच्चे आप याद रखिए ऐसा गया, एयर से गया वाटर, तो बताओ किधर बेंड करेगा, नॉर्मल से दूर की नॉर्मल की ओर। ठीक है बच्चे, अब ध्यान से सुनिए, जब बच्चे लाइट रे, अब मैं फिर से दे रहा हूं, अब मैं डायग्राम नहीं दे रहा हूं बच्चे, डायग्राम नहीं, अब आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जब लाइट रे बच्चे एयर से कहां जाएगा बच्चे, ग्लास में जाएगा, तो बताइए किधर बेंड करेगा, लंबवत से दूर या लंबवत की ओर, लंबवत से दूर या लंबवत की ओर। और बच्चे तीसरा क्वेश्चन कि जब लाइट रे आपका ग्लास से कहां जाएगा बच्चे, ग्लास से आपका जा रहा है बच्चे कहां, एयर में, तो बताइए किधर बेंड करेगा बच्चे, जल्द से जल्द बताइए किधर बेंड करेगा, कितने लोग बता सकते हो। अब मैं डायग्राम नहीं दिया हूं, बहुत बढ़िया नीतीश कुमार, बहुत बढ़िया बच्चे, जल्द से जल्द बताइए। अर्चना एक के रोई, चैप्टर का नाम है अपवर्तित किरण, समझे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है बच्चे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, याद रखिए बच्चे, जल्द से जल्द बताइए। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बच्चे, जब लाइट एयर से गया वाटर किधर बेंड करेगा, लंबवत की ओर, बहुत बढ़िया गुलजार खातून, जितेंद्र राजपूत, बहुत बढ़िया बच्चे, लंबवत की ओर बच्चे क्या हो जाएगा, लंबवत की ओर, यानी बच्चे टुवार्ड्स द नॉर्मल बच्चे क्या हो जाएगा, ये टुवार्ड्स द नॉर्मल, ये भी क्या हो जाएगा बच्चे, लंबवत की ओर बच्चे, यानी टुवार्ड्स द नॉर्मल। चलो बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, टुवार्ड्स द नॉर्मल। तीसरा क्वेश्चन बताइए, तीसरा क्वेश्चन क्या होगा बच्चे, तीसरा क्वेश्चन एक लंबवत की ओर होगा, नीतीश कुमार सही जवाब बच्चे, और सारे बच्चे कहां गए, बच्चे लाइक कीजिए बच्चे, और बच्चे सब्सक्राइब होना चाहिए, जल्द से जल्द बताइए बच्चे, सब्सक्राइब कीजिए बच्चे, शेयर कीजिए। चलिए जल्द से जल्द बताइए कि अगर लाइट रे गिलास से एयर में जा रहा है, गिलास से किधर जा रहा है बच्चे, एयर में जा रहा है, तो किधर बेंड करेगा, नहीं बच्चे ये भी लंबवत की ओर जाएगा, एयर से वाटर हो या एयर से गिलास हो, लंबवत की ओर ही जाएगा, ये लंबवत की ओर ही जाएगा बच्चे, लेकिन जब लाइट गिलास से एयर जा रहा है तो बच्चे ये लंबवत से दूर जाएगा। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन, लंबवत से दूर जाना है बच्चे, बहुत बढ़िया जितेंद्र राजपूत, बहुत बढ़िया बच्चे बहुत बढ़िया। अब 32 का मैं एक चीज कर रहा हूं, एक चीज और दे रहा हूं बच्चे, ध्यान से देखना, ऐसे दे दूं मैं कि अगर लाइट रे रेयर से गया डेंसर, ठीक है, फिर हमने बोल दिया कि लाइट रे बच्चे डेंसर से गया रेयर, ठीक है, तो अब बोलो क्या हो जाएगा, जल्द से जल्द बताइए। क्वेश्चन नंबर टू, हम लोग क्या करते हैं बच्चे, विरल माध्यम को आर से डिनोट करते हैं, ये क्या है बच्चे, विरल माध्यम, विरल ये बच्चे क्या, सघन, ये क्या है बच्चे, सघन, ये क्या है बच्चे, विरल, जल्द से जल्द बताइए, सघन विरल बच्चे जल्द से जल्द बताइए, बच्चे जल्द से जल्द कि अगर लाइट रे रेयर से डेंसर जाएगा तो बच्चे ये कहलाएगा लंबवत की ओर,
लंबवत की ओर बच्चे, और मतलब टुवार्ड्स द नॉर्मल, टुवार्ड्स द नॉर्मल। और बच्चे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंबवत से दूर, लंबवत से दूर, यानी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। नीतीश कुमार सही है, जितेंद्र राजपूत सही जवाब, गुलजार खातून सही जवाब। चलो बहुत बढ़िया बच्चे। अच्छा चलो बच्चे, अब मुझे ये बोलो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू होता है म्यू, यानी होता है बच्चे कांस्टेंट, यानी क्या होता है बच्चे कांस्टेंट। इसे कौन सा लॉ बोलते हैं, इसे कौन सा लॉ बोलेंगे बच्चे, जल्दी बोलिए। साइन आई बाई साइन आर, चलो बच्चे ये जल्दी बोलिए, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू कांस्टेंट, ये कौन सी लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी लॉ बच्चे इसे बोलते हैं। इसे हम ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन ए में स्नेल्स लॉ, दूसरा ऑप्शन बी में न्यूटन लॉ, तीसरा बच्चे न्यूटन लॉ, तीसरा क्या हो जाएगा बच्चे नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। जल्दी बोलिए ये कौन से लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया बच्चे, ये बताइए साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ये कौन सी लॉ को रिप्रेजेंट करेगा, स्नेल्स लॉ, न्यूटन लॉ या नॉन ऑफ दीज। जल्द से जल्द बताइए। नहीं बच्चे, बच्चे से कौन सा लॉ बोलेंगे हम लोग, मैं आपको भी पढ़ा चुका हूं ये कौन सा लॉ होता है बच्चे, स्नेल्स लॉ होता है। ये कौन सा लॉ होता है बच्चे, स्नेल्स लॉ होता है, स्नेल्स लॉ होता है। बहुत बढ़िया नीतीश कुमार, बहुत बढ़िया स्नेल्स लॉ। और कोई बच्चे, जितेंद्र राजपूत बहुत बढ़िया बच्चे, अभिषेक यादव बहुत बढ़िया स्नेल्स लॉ। चलो नहीं नहीं बच्चे, दर्पण का सूत्र नहीं है बच्चे, ये है रिफ्रैक्शन इलास्ट, स्नेल्स लॉ बच्चे। अभिषेक यादव सही जवाब बच्चे, बहुत बढ़िया बच्चे। नीतीश कुमार सही जवाब। चलिए मैं बता दूं, अर्चना एके रॉय, अर्चना एके रॉय ध्यान से सुनिए बच्चे, आपके फिजिक्स का ये ऑप्टिक्स है जिसमें प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन होता है, ये तरंग दैर्ध्य होगा, ये वो वाला चैप्टर है ऑप्टिक्स, समझ गए बच्चे, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कभी प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिए हैं, ये चल रहा है प्रकाश का परावर्तन। ये आपके 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर नहीं है, 12th के सेकंड फिजिक्स का चैप्टर है। चलो बच्चे चलो ओके, और बच्चे क्वेश्चन करा जाए। चलो बच्चे ध्यान से देखो आप, मैं ध्यान से सुनना बच्चे, यहां पे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है बच्चों, ये कौन सी लॉ को रिप्रेजेंट करता है, ये कौन सी लॉ को रिप्रेजेंट करेगा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ये क्या करेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन या ऑप्शन नंबर सी न्यूटन लॉ, न्यूटन लॉ या बच्चे ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। बच्चे किसको रिप्रेजेंट करेगा ये नॉन ऑफ दीज, किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाँ बच्चे, हाँ अभिषेक यादव, टेंथ का अभी किसी भी चैप्टर का स्टार्टिंग तो बेसिक तो होगा ही बच्चे टेंथ से रिलेटेड। चलिए बच्चे जल्द से जल्द बताइए, और बच्चे ऑप्शन नंबर डी ई स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, बच्चे जल्द से जल्द बताइए, आई एक एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये कौन सी लॉ को रिप्रेजेंट करेगा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑप्शन बी ए बी सी डी, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, जल्द से जल्द बताइए बच्चों कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और बच्चे दूसरा क्वेश्चन, साइन आई बाय, अभी जस्ट मैं पूछा हूं
साइन आई बाई साइन आर इजकल टू बच्चे कॉन्स्टेंट, इजकल टू बच्चे क्या हो गया कॉन्स्टेंट। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों लॉ को कौन सा लॉ रिप्रेजेंट करेगा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, न्यूटन लॉ, नॉन ऑफ दीज या स्नेल्स लॉ। जल्द से जल्द बताइए बच्चे ये कौन से लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, इसमें से कौन सी लॉ को ओबे करेगा, साइन आई बाई साइन आर, कौन सी लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, पहला। इसको पहला मानिए, इसको दूसरा मानिए आप लोग, ये पहला और ये दूसरा, ये पहला और ये दूसरा बच्चे। जल्द से जल्द बताइए, ऐसे बोलिए पहले का कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरे का कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे, जल्द से जल्द। और बच्चे लाइक करें, अपने बच्चे लाइक नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं बच्चे। बच्चे पहला का क्या हो जाएगा, बच्चे पहला का हो जाएगा बी, पहला का क्या हो जाएगा बी, एकदम। ये कितने लोगों का सही है, जितने लोगों का सही है बच्चे यस यस लिख के भेजेंगे, जितने लोग को आता है ये क्वेश्चन यस यस लिख के भेजेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतित आपतन कोण बराबर होता है बच्चे क्या, परावर्तन कोण। ये किसके किसके लिए बच्चे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। पहले के लिए बच्चा ये आंसर होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत बढ़िया नीतीश कुमार, सही जवाब है बच्चे। और बच्चे साइन आई बाई साइन आर किसके लिए अप्लीकेबल है, बच्चे साइन आई बाई साइन आर ये इसके लिए भी अप्लीकेबल है बच्चे, और इसके लिए भी अप्लीकेबल है। यानी साइन आई बाई साइन आर को बोलते हैं हम लोग क्या, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में ही आता है बच्चे क्या, स्नेल्स लॉ। बहुत बढ़िया गुलजार खातून, वेरी गुड बच्चे। बच्चे आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं क्या बच्चे, सब लोग लाइक करें। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। चलिए फर्स्ट का बी नीतीश कुमार सही जवाब, फर्स्ट का बी हो जाएगा। और बच्चे दूसरा का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। चलिए ओके बच्चों, दूसरा क्वेश्चन करते हैं बच्चे, ध्यान से देखिए। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट बच्चे ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। बच्चे जल्द से जल्द बोलिए स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा बच्चे, जल्द से जल्द बोलिए। हाय सर राजपूत अंश, हाय बच्चे, सर आप किस जिला से हो, कोचिंग करेंगे। बच्चे मैं बहुत दूर वाले जिला से हूं। ओके ओके बच्चों, बच्चे बताइए प्रकाश की गति, प्रकाश की गति क्या होगा। जितेंद्र राजपूत बच्चे अब हिंदी में बोलेंगे बच्चे, चलिए प्रकाश का गति क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जितेंद्र राजपूत जल्दी बताइए, तालिब साहित बच्चे जल्द से जल्द देखिए ऑप्शन नंबर प्रकाश की गति, बच्चे हम बात कर रहे हैं प्रकाश की गति, प्रकाश की गति क्या होता है बच्चे, जल्द से जल्द बताइए कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे। बच्चे अभिषेक यादव सही जवाब, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया बच्चे अभिषेक यादव सही जवाब। और कोई बच्चे बता सकते हैं प्रकाश की गति क्या होगा, नीतीश कुमार सही जवाब बच्चे, जितेंद्र राजपूत सही जवाब, नीतीश कुमार बहुत बढ़िया बच्चे। और सारे बच्चे कहाँ गए, चलिए तो बच्चे ये हो गया हमारा। चलिए ओके बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे हम बात कर रहे थे, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से ये थोड़ा सा मैं रिकैप करा दूं, बाकी कल पढ़ाऊंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कल पढ़ाऊंगा बच्चे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कल पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा रिकैप करा देता हूं बच्चे। ये कौन सा मिरर है, जल्द से जल्द बताइए, ये कौन सा मिरर है बच्चे, जल्द से जल्द बताइए ये कौन सा मिरर है, एकदम अभिषेक भाई वी लाइक 7 करोड़। चलते ये कौन सा मिरर है,
आई एम स्पैमर। अच्छा चलो बच्चे, ये कौन सा मिरर है बच्चे, जल्द से जल्द बताइए ये मिरर कौन सा है। फिगर वन, दिस इज कॉल्ड फिगर वन और इसे बोलेंगे फिगर टू। फिगर टू बच्चे, चलिए अब मुझे सब लोग आंसर देना है, साथ साथ में आंसर देना है बच्चे, साथ साथ में। ये कौन सा मिरर है बच्चे, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं तो पूछ रहा हूं। मिरर के मिड पॉइंट, दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चे, जल्द से जल्द बोलिए। मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स। बहुत बढ़िया बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। इस मिड पॉइंट को क्या बोलेंगे, चलिए अब ध्यान से सुनिए। एक लाइन जो इस मिड पॉइंट को टच करेगा, छुएगा, एक लाइन जो मिड पॉइंट को टच करेगा बच्चे, छुएगा, इस लाइन को क्या बोलेंगे, ये लाइन कौन सा होगा बच्चे, जल्द से जल्द बताइए, ये लाइन कौन सा होगा, इस लाइन को क्या बोलेंगे। रोशन कुमार, वेरी गुड जवाब बच्चे, चलिए बहुत बढ़िया रोशन कुमार, अच्छे बच्चे हैं एकदम। कौन सा मिरर बच्चे, उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है। चलिए इस मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं हम लोग ध्रुव। क्या बोलते हैं इसको, ध्रुव, यानी इसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चे, पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, पोल, एकदम जितेंद्र राजपूत सही जवाब है बच्चे। चलिए इस मिड पॉइंट को क्या बोलेंगे बच्चे, जल्दी बोलो, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे बच्चे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, इनर लाइन। बहुत बढ़िया बच्चे, चलो अब बच्चे ध्यान से देखिए, मैं यहां बोल दिया रियल इमेज, मैं यहां बोल दिया क्या, रियल इमेज कौन सी मिरर में बनेगा, जल्द बताइए बच्चे। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज कौन सी मिरर में बनेगा बच्चे, यानी बच्चे वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण में बनेगा, आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब किस दर्पण में बनेगा बच्चे, ध्यान से सुनना। रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब किस में बनेगा, समझ गए, और वर्चुअल इमेज काल्पनिक प्रतिबिंब किस में बनेगा बच्चे, जल्द से जल्द बताइए। कौन सी मिरर, कौन सी दर्पण, फिर मैं बोल दूं बच्चे, इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड कौन सी मिरर में बनने वाला है, यानी उल्टा प्रतिबिंब किस में बनेगा, कौन सी दर्पण में बनेगा बच्चे। और बच्चे हम बोलते हैं इरेक्ट, इरेक्ट कौन सी मिरर में बनेगा, जल्द से जल्द बताइए बच्चे। यहां पर कौन बच्चे जवाब दे रहे हैं, रियल इमेज पहला का, इसको मानो ए, इसको मानो बी, इसको मानो सी, इसको मानो डी। बच्चे यहाँ चार क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन का आप लोग ऐसे लिख के दोगे, ए कॉनकेव मिरर या जो भी मिरर है इस तरीके का आंसर देना है बच्चे, जल्द से जल्द बोलो, जल्द से जल्द बोलो बच्चे, कौन सा होगा आंसर, ये बोलिए। रियल इमेज, रियल इमेज में कौन सा मिरर बनेगा, कौन सा बच्चे, ये हो जाएगा कॉनकेव मिरर। ये क्या हो जाएगा बच्चे, कॉनकेव मिरर, याद रखिए बच्चे। कॉनकेव मिरर क्या, अवतल दर्पण बच्चे, क्या होगा ये, अवतल दर्पण, जल्द से जल्द बोलिए बच्चे, अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण होगा बच्चे, उत्तल दर्पण, ये कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। अब बताइए जो ऑब्जेक्ट रियल है वही बच्चा इन्वर्टेड है, याद रखिए, जो ऑब्जेक्ट रियल, जो इमेज अगर रियल होगा तो वही इन्वर्टेड होगा, तो यहाँ कौन सा मिरर होगा बच्चे, यहाँ हो जाएगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, यानी कौन सा इमेज बच्चे, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर बच्चे, कॉनकेव मिरर। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। चलो अब इरेक्ट इमेज किसमें बनेगा ये बताइए बच्चे, जो वर्चुअल इमेज है वो इरेक्ट इमेज है, जो वर्चुअल इमेज है बच्चे वो इरेक्ट इमेज है, वर्चुअल बनेगा इरेक्ट, वर्चुअल क्या बनाता है हमेशा, इरेक्ट इमेज बनता है। तो मतलब ये कौन सा दर्पण होगा बच्चे, उत्तल दर्पण होगा, कौन सा दर्पण होगा बच्चे, उत्तल दर्पण, यानी कॉन्वेक्स मिरर। किसकी बात कर रहे हैं बच्चे हम लोग, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, थ्री कॉनकेव मिरर, बहुत बढ़िया। चलिए चलो बच्चे, अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, हम बात कर रहे हैं सेविंग में, हम बात करेंगे सेविंग में या डेंटिस्ट, डेंटिस्ट यूज्ड, यूज्ड मिरर, कौन सा मिरर यूज करता है बच्चे, कौन सा मिरर यूज करेगा, जल्द से जल्द बताइए।
यानी डॉक्टर या दाढ़ी बनाते हैं, शेविंग करते हैं, तो कौन सा मिरर यूज होगा? समझ गए बच्चे? अब साइड मिरर, साइड मिरर, साइड मिरर, बच्चे कौन सा मिरर में यूज करेगा? जल्द से जल्द बताइए कौन सा मिरर होगा ये? साइड मिरर, बच्चे जल्द से जल्द बताइए कौन सा मिरर होगा? साइड मिरर, एकदम बच्चे जल्द बताइए, शेविंग में या डेंटिस्ट? शेविंग में बच्चे या डेंटिस्ट में? डेंटिस्ट में कौन सा मिरर यूज होगा? यानी जो शेविंग करते हैं तो कौन सा दर्पण यूज करते हैं बच्चे? अवतल की उत्तल या उत्तल की अवतल? जल्द से जल्द बताइए बच्चे, अवतल दर्पण। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ओके बच्चों, अब बात कर रहे हैं हम लोग शेविंग के। बच्चे शेविंग हो या डेंटिस्ट यूज करता है हमेशा कौन सा मिरर बच्चे? कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? अवतल दर्पण। हम लोग क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। बहुत बढ़िया बच्चे। अब साइड मिरर में कौन सा होगा बच्चे? तो हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। बच्चे क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर बच्चे। कॉन्वेक्स मिरर की हम बात करें तो बच्चे उत्तल दर्पण। ये कौन सी दर्पण में यूज होगा बच्चे? उत्तल दर्पण में यूज होगा। बहुत बढ़िया बच्चे, बच्चे बहुत बढ़िया। तो बच्चे क्या आप लोग का पीछे वाला रिवाइज हो रहा है? नीतीश कुमार, बहुत सारे बच्चे, अभिषेक यादव, क्या पीछे वाला कुछ रिवाइज हो रहा है बच्चे? अरे एमसीयू तो करेंगे अलग से। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए बच्चे और आगे क्वेश्चन करा जाए, और बच्चे आगे क्वेश्चन करा जाए। मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूं वो आपको जवाब देना है बच्चे, कि अगर मान लीजिए कि व्हेन ऑब्जेक्ट, हम मिरर कौन सा ले लेते हैं बच्चे? मिरर हम वो ले लेते हैं कॉनवेक्स मिरर, कॉनकेव। बच्चे क्या ले लेते हैं हम लोग? कॉनकेव मिरर ले लेते हैं, कॉनकेव मिरर ले लेते हैं बच्चे, यानी अवतल दर्पण। क्या ले ले रहे हैं बच्चे हम लोग? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ले लेते हैं, कि जब ऑब्जेक्ट एट सेंटर, ऑब्जेक्ट एट बच्चे कहां? सेंटर। ऑब्जेक्ट एट सेंटर पे हो जाए अवतल दर्पण में, तो इमेज कहां बनेगा बच्चे? सेंटर पे ही बनेगा, इमेज फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म्ड। बच्चे ऑप्शन बताना है आपको, क्या सेंटर पे ही बनेगा, क्या बच्चे फोकस पे बनेगा, क्या बच्चे इन्फिनिटी पे बनेगा, इन्फाइनाइट पे बनेगा, या बच्चे नॉन ऑफ दीज? जल्द से जल्द बताइए, नॉन ऑफ दीज, यानी जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पे हो, जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पे हो बच्चे, जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब कहां बनेगा बच्चे? सेंटर पे, फोकस पे, इनफाइनाइट पे, नॉन ऑफ दीज? जल्द से जल्द बोलिए कहां बनेगा, जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पे हो। चलो बच्चे जल्दी बताइए, जब वस्तु कहां हो बच्चे? सेंटर पे, या जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पे हो तो इमेज कहां बनेगा? जल्दी बताओ बच्चे, सेंटर पे ही बनेगा, फोकस पे बनेगा, या इनफाइनाइट पे? बच्चे ऑब्जेक्ट सेंटर पे है तो इमेज कहां बनेगा? सेंटर पे ही बनेगा। इमेज कहां बनेगा बच्चे? सेंटर पे। राजपूत हंस सही जवाब, राजपूत हंस एकदम सही जवाब दे रहे हैं, राजपूत हंस सही जवाब दे रहे हैं बच्चे। जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो इमेज कहां बनेगा? सी पे होगा। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर हो, कहां बच्चे? फोकस पर हो, तो प्रतिबिंब,
प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चे? ऑप्शन ए में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ऑप्शन ए में इनफाइनाइट पे, अनंत पे बच्चे, इनफाइनाइट यानी अनंत पे, अनंत पे। दूसरा बच्चे सेंटर पे। तीसरा बच्चे फोकस पे। एंड चौथा बच्चे नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। जल्द से जल्द बताइए बच्चे कहां बनेगा? जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर हो, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पे हो यानी जब ऑब्जेक्ट बच्चे, रोशन कुमार बच्चे, रोशन कुमार ये पढ़ा चुके हैं। ओके रोशन कुमार ये थ्योरी पढ़ा चुके हैं, तो रिकैप चल रहा है। मतलब ऐसा है कि जब ऑब्जेक्ट अवतल दर्पण के फोकस पे हो, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के फोकस पे हो बच्चे, तो इमेज कहां बनेगा? रोशन कुमार ये रिवीजन चल रहा है, पढ़ा चुके हैं। आपको पिछला लेक्चर देखना चाहिए, सेकेंड या थर्ड लेक्चर बच्चे आपको देखना चाहिए। रोशन कुमार ओके बच्चों क्या कह रहा है? व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस, जो ऑब्जेक्ट फोकस पे प्रेजेंट है, जो ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस देन इमेज फॉर्म्ड। तब इमेज कहां बनेगा बच्चे? जल्द से जल्द। बहुत बढ़िया राजपूत अंश, बहुत बढ़िया। इनफाइनाइट पे ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बच्चे इनफाइनाइट पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। जितेंद्र कुमार बहुत बढ़िया बच्चे सही जवाब। अभिषेक यादव सही जवाब, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, क्या बात है। रोशन कुमार मैं बता दूं आपको, चलिए ओके बच्चों अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देते हैं, अब थोड़ा सा हिंदी यूज करते हैं, इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, कि बच्चे जब ऑब्जेक्ट कहां प्रेजेंट हो? इनफाइनाइट पे। जब वस्तु को कहां रखा गया बच्चे? मैं बात कर रहा हूं, जो ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया? इनफाइनाइट पे। वस्तु को कहां रखा गया? इनफाइनाइट पे। कौन सा मिरर में बच्चे? कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर में? कॉनकेव मिरर। तो जल्द से जल्द बताइए इमेज कहां बनेगा? इनफाइनाइट पे बच्चा कहां इमेज बनेगा? एट फोकस, एट फोकस। ऑप्शन बी एट सेंटर, और बच्चे ऑप्शन सी इनफाइनाइट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। आनंद किशोर, आनंद किशोर बहुत बढ़िया बच्चे, आनंद किशोर बहुत बढ़िया। कहां बनेगा बच्चे? ये फोकस पे बनेगा, बहुत बढ़िया बच्चे। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो बच्चे ये फोकस पे बनेगा। कितने सारे बच्चों का सही जवाब आ रहा है बच्चे? ये इनफाइनाइट में बनेगा। कितने लोगों का सही? जब वस्तु को कहां पे रख रहे हैं बच्चे हम लोग? अनंत पे रख रहे हैं। वस्तु को अनंत पे रखेंगे कहां बनेगा जवाब? जल्द से जल्द दीजिए बच्चे, सारे बच्चे लोग जवाब दीजिए फटाफट। चलिए बच्चे अब थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ध्यान से बच्चे, ध्यान से। वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज आर फॉर्म्ड व्हेन, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, प्लेस्ड, प्लेस्ड। बच्चे क्या होगा ऑप्शन नंबर? बिटवीन सी एंड एफ, ऑप्शन नंबर पी। बच्चे ये मिरर कौन सा? कॉनकेव मिरर। ये मिरर कौन सा है बच्चे? कॉनकेव
कॉनकेव मिरर है बिटवीन बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, ऑप्शन सी बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। बच्चे जैसे बताइए, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगा कब, जब वस्तु को रखेंगे, कहां पे रखेंगे। बच्चे कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ध्यान से सुनिएगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा यानी बच्चे काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब बनेगा जब वस्तु को कहां पे रखने पर, वस्तु को कहां पे रखने पर। वस्तु को कहां पे रखने पर, अभिषेक यादव बच्चे गलत जवाब। बच्चे अपने लाइक करो, बच्चे जल्द से जल्द अपने लाइक करो। बच्चे याद रखिए, काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु को कहां पे रखेंगे। बच्चे वस्तु को कहां पे रखेंगे, कौन के अवतल दर्पण में, जल्द से जल्द बताइए। एड फोकस, ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया। राजपूत अंश, आनंद किशोर सही जवाब, राजपूत अंश सही जवाब। बच्चे बच्चे जल्द से जल्द बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर बच्चे सी होगा, एकदम ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु को हम कहां पे रखते हैं। बच्चे वस्तु को रखते हैं, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी बिटवीन एफ एंड पी। बहुत सारे बच्चे, बच्चे मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ाता हूं, ऑनलाइन ही है सिर्फ। ओ चलो बच्चे, चलो कोई बात नहीं बच्चे, ओके। क्या बच्चे क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है सबको, क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है सबको बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए ये कौन सा मिरर है, ये कौन सा मिरर है। ऑप्शन ए प्लेन मिरर, ऑप्शन बी कॉनकेव मिरर, जल्दी बताइए बच्चे ये कौन सा मिरर है। ऑप्शन सी कॉन्वेक्स मिरर, या बच्चे ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। जल्द से जल्द बताइए बच्चे, नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज, जल्द से जल्द बताइए बच्चे, नॉन ऑफ दीज। क्या बात है बच्चे, सबसे पहले वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। ये कौन सा मिरर है बच्चे, ये प्लेन मिरर है, ये कौन सा मिरर है बच्चे, प्लेन मिरर है। अब बच्चे इसमें क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से देखना, कौन सी मिरर है बच्चे, ये प्लेन मिरर है। सारे बच्चों का जवाब आना चाहिए बच्चे। अब बच्चे इसमें क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से देखना, मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन यहां पे ये है कि अगर समतल दर्पण के सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, ये ऑब्जेक्ट है, इसे हमने बोल दिया क्या, वस्तु यानी ऑब्जेक्ट, इसे हमने क्या बोल दिया बच्चे, वस्तु। और यहां से ये, यहां से बच्चे, यहां से ये इतने दूरी पे, एक्स दूरी पे इमेज रखा हुआ है, एक्स दूरी पे इमेज रखा हुआ है बच्चे। ये एक्स दूरी से, याद रखिए, समतल, समतल दर्पण से एक्स दूरी पे इतने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बच्चे, ठीक है। अब कह रहा है इसके कि इस साइड इमेज बनेगा, इस साइड क्या बनेगा बच्चे, इमेज बनेगा, इस साइड ये बना इमेज, ये बना इमेज यानी प्रतिबिंब, ये क्या बन गया बच्चे, ये बन गया प्रतिबिंब यानी इमेज बना। तो बच्चे अगर ये इमेज बनेगा तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ऑप्शन नंबर 2x, ऑप्शन नंबर 3x, ऑप्शन नंबर x, ऑप्शन नंबर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चे नॉन ऑफ दीज। जल्द से जल्द बताइए, इतने x दूरी पे ऑब्जेक्ट था, इसका प्रतिबिंब इमेज बना, कितने दूरी पे बनेगा बच्चे, जल्द से जल्द बताइए कितने दूरी पे बनेगा इमेज। बहुत बढ़िया आनंद किशोर, इक्वल,
ऑप्शन बोलिए कौन सा होगा, ऑप्शन ए 2x है, ऑप्शन बी 3x है, ऑप्शन सी x है, ऑप्शन सी नॉन ऑफ दीज है। बच्चे आंसर क्या होगा, तो बच्चे आंसर सुन लीजिए, पहले मैं आपको पढ़ा देता हूं फिर आंसर आपको खुद सेलेक्ट करना है। याद रखिए, जितनी दूरी पे वस्तु रखा रहेगा यानी जितने दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा रहेगा उतनी डिस्टेंस पे यानी उतनी दूरी पे इमेज बनेगा यानी प्रतिबिंब बनेगा। अगर x डिस्टेंस पे इमेज है तो x ही डिस्टेंस से बच्चा, x डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है तो एक ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। याद रखिए, x डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है तो x ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। कौन सा होगा बच्चा, ऑप्शन नंबर सी। अनंत किशोर सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी बच्चे, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। चलिए सही जवाब बच्चे, एकदम सही जवाब है। चलिए बच्चों, ओके, अब मैं दूसरा थोड़ी दूसरा क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये हो गया मिरर, और बच्चे ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है बच्चे, और इसका यहां से बच्चे एक्स डिस्टेंस पे यहां पे बनेगा इमेज, यहां पे बनेगा बच्चा इमेज, यहां पे क्या बन जाएगा इसका, जस्ट यहां से एक्स डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। तो आपको बताना क्या है, इमेज हाइट, इमेज हाइट बताना है बच्चे आपको, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, इमेज हाइट। यानी ये अगर मान लीजिए h है तो बच्चे यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2h, ऑप्शन बी 3h, ऑप्शन सी h, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। बच्चे जल्द से जल्द बताइए, नॉन ऑफ दीज बच्चे जल्द से जल्द बताइए किसमें होगा। रोशन दहेज रखिए, अभी जाके फर्स्ट सेकंड चैप्टर सर्च कीजिए, नीट से ही सारा क्वेश्चन करवाया हूं, थोड़ा घर देखिए, अभी चैप्टर का स्टार्टिंग है इसीलिए बेसिक बतला रहा हूं। बच्चे ध्यान से देखिए, h हाइट का ऑब्जेक्ट है, इसका अगर इमेज बनेगा तो बच्चे इमेज का हाइट क्या होगा, इमेज का हाइट क्या होगा बच्चे, 2h होगा, 3h होगा, h होगा या नॉन ऑफ दीज होगा। बच्चे सेम हाइट का इमेज बनेगा, सेम हाइट का इमेज बनेगा। अनंत किशोर सही जवाब, अनंत किशोर बच्चे सही जवाब, वेरी गुड बच्चे। नहीं गुलजहां, गलत जवाब दे रहे हैं आप, ऑप्शन सी इज द करेक्ट जवाब बच्चे, जल्द से जल्द ऑप्शन सी इज द करेक्ट जवाब। नहीं राजपूत आंसर, डी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से सुनिए, जितने हाइट का ऑब्जेक्ट है उतने हाइट का बच्चा क्या हो जाएगा, इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। बहुत बढ़िया जितने राजपूत, सही जवाब बच्चे, सही जवाब बच्चे। और कोई बच्चे, बच्चे तो यहां तक हमने पढ़ा था, अब याद रखिए कल। अच्छा मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं, आज रिफ्रैक्शन आप लोग को समझ में आया ये बता दीजिए, रिफ्रैक्शन समझ में आया या नहीं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ में आ गया बच्चे, ये मैं आपको पढ़ा रहा था। इसके अंदर एक टॉपिक है बच्चे, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो क्या है बच्चे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक, समझ गए बच्चे। ये हम कल डिस्कस करेंगे, ये कल डिस्कस करेंगे बच्चे, कल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन उससे पहले आप इस लेक्चर का जो शुरुआती देखेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्नेल्स लॉ क्या होता है, ये मैं आप लोग को पढ़ाया हूं, तो आप वो चीज देखेंगे बच्चे, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट VVI है बच्चे, याद रखिए VVI है टॉपिक, ये आपको याद रखना है। हाँ बच्चे, मैं शुरू में पढ़ा के बाद में फिर रिवीजन कराया हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चे, याद रखिएगा, कल इसी टाइम में 8 से 9 में हम प्रेजेंट रहेंगे बच्चे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का हमने इंट्रोडक्शन किया था, रिफ्रैक्शन का लॉ पढ़ा था हमने, रिफ्रैक्शन का 2 लॉ होता है, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ को बोलते हैं साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट,
बच्चों, तो कल हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे बच्चे, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे आप लोग, हम लोग आपस के साथ मिलके एक से एक क्वेश्चन करेंगे। चलो बच्चों आज के लिए इतना ही रहने के बच्चे, बाय बाय एंड गुड नाइट। गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट।